একদিনের সফরে কোচবিহার এলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদী। এদিন তিনি কোচবিহার সফরে প্রথমেই তিনি কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করেন এবং কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে যান, সেখানে মন্দিরে পুজো দেন। সুশীল মোদীর সাথে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি তথা উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়, দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। কোচবিহার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুশীল মোদী জানান, তিনি এই প্রথম কোচবিহার সফরে এলেন, তাই কোচবিহার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলি পরিদর্শন করতে বেরিয়েছেন। এছাড়া এদিন তিনি মোদী সরকারের নবম বর্ষের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন, পাশাপাশি রাজ্য সরকারের দুর্নীতি নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল সরকারকে। নরেন্দ্র মোদী জি কি সরকার কো 9 সাল পুরা হো গিয়া আর ইসলিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নে 30 মই সে লেকর 30 জুন কে বিচ মে और एक महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोग लोगों के पास जाएंगे और जाकर उनको केंद्र की सरकार ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे भी 4 लोकसभा क्षेत्र दिया गया है नॉर्थ बंगाल का, उसी क्रम में आज मैं कूच बिहार जिले में आया हूं और केंद्र सरकार ने जो काम किया उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ आने के पहले मैं राजबाड़ी गया था, मैं पहली बार कूच बिहार आया हूँ, इसलिए कूच बिहार की राजबाड़ी को मैंने देखा नहीं था, वहाँ भी मैं देखने के लिए गया था। तो मित्रों, हमारी सरकार की उपलब्धियों को बताने के पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अभी बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई जिसमें 280-290 जो भी था लोग मारे गए, बहुत दुखद घटना है, हम अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी रेल दुर्घटना में घटनास्थल पर गए और सीबीआई जांच का उन्होंने आदेश दिया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद रेल एक्सीडेंट में डेथ की संख्या कम होती चली गई। अगर इस एक इंसिडेंट को छोड़ दें, आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर तो जो डेथ्स की इंसिडेंट है 17-18 में 28, 18-19 में 16, 1920 में 0, 2021 में 0, 2122 में 9, तो लगातार ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आती गई। भारत सरकार ने 6,180 करोड़ बंगाल को मदद किया है टैप्ड वाटर सप्लाई के लिए। मित्रों, जनधन खाता हर गरीब का खाता होना चाहिए और 4,82,00,000 4,82,00,000 जनधन अकाउंट बंगाल के अंदर गरीब आदमी का खोला गया है। लोग कहते थे कि गरीब आदमी का खाता खुल जाएगा अकाउंट, उसे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो गरीब आदमी के पास है नहीं, लेकिन करीब 19,000 करोड़ बंगाल के अंदर बैंक में गरीब आदमी लोगों ने अब पैसा जमा करने का काम किया है। मुद्रा लोन 1,53,00,000 अकाउंट में बंगाल के अंदर मुद्रा लोन और दिया गया है। तो ये सब मित्रों, बहुत सारा जन औषधि केंद्र 194 जन औषधि केंद्र खोले गए जहां पर कि 50% से लेकर 90% तक सस्ती दवा जो है और बाजार से मिलती है। मित्रों, नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला एयरपोर्ट है बागडोगरा, कितनी भीड़ रहती है वहाँ पर, मैं कल आया वहाँ पर बागडोगरा, 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर
और बागडोगरा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह बन रही है, न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है उसको इंटरनेशनल ट्रेन टर्मिनल और 337 करोड़ रुपया खर्च कर उसको डेवलप किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन, जैसे डीजल से चलती है गाड़ी, कोयले से चलती है, पेट्रोल से चलती है, वैसे हाइड्रोजन, इसमें ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 0% है। और पूरे देश में 8 हेरिटेज ट्रेन को इस साल के अंत तक हाइड्रोजन से चलाने का फैसला किया गया, जिसमें दार्जिलिंग की जो हेरिटेज हिमालय जो ट्रेन है वो भी इसके अंदर जो है और शामिल है। मित्रों, कूच बिहार का जो एयरपोर्ट है, ये राजा के समय का एयरपोर्ट बना हुआ, 1945 वगैरह कब का एयरपोर्ट बना हुआ है, नॉन फंक्शनल था। निश्चित प्रभाड़ी जी, यहाँ पर इतने MLA हमारे जीते, टोटल 6 MLA हैं इस जिले, हर राज्य के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल्याणी में जो एम्स बना, कांग्रेस के लोग तो इतने साल तक शासन में थे, उन्होंने एक भी एम्स क्यों नहीं बनाया, लेकिन बंगाल के कल्याणी में 1754 करोड़ खर्च कर एम्स का निर्माण किया गया। 8 मेडिकल कॉलेज, जिसमें कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरलिया, रायगंज, बारासात, आरामबाग, झाड़ग्राम, तमलुक, और इसमें लगभग 1500 करोड़ ये केंद्र की सरकार ने मदद किया है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। कोविड में जो कोविड का वैक्सीन था वो फ्री में दिया गया, और बंगाल में 6,32,00,000 फर्स्ट डोज और करीब 3 करोड़ सेकेंड डोज ये कोविड का वैक्सीन लगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने राज्य को, बंगाल को देने का काम किया है। बंगाल के अंदर गरीब लोगों के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। बंगाल की आबादी होगी 10-11 करोड़, लेकिन लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 1,23,00,000 महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। 2014 के पहले जहां बंगाल में 22% ग्रामीण क्षेत्रों में LPG का कनेक्शन था, वो बढ़कर 68% हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण। उसी प्रकार टैप वाटर, हर घर घर नल का कनेक्शन, टैप का कनेक्शन, जब सरकार बनी थी 2014 में तो 1.17% यानी करीब 1% घरों में ही टैप वाटर का सप्लाई होता था, 2,14,000, अब ये बढ़कर 33% घरों में हो गया। और हमारा प्रयास होगा कि 100% हम कवर जो है कर सकें। अभी 61,25,000 घरों में, 61,25,000 घरों में टैप्ड वाटर सप्लाई का कनेक्शन हुआ है। ऐसा है कि 2,000 का नोट बंद होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में सबसे पहले मैंने ही उठाया था 6 महीना पहले, देश भर के सब अखबारों के अंदर। और ध्यान रखिए कि 2,000 का नोट टेम्परेरी लाया गया था, 2,000 का नोट जब नोटबंदी लागू हुआ, 500 और 1,000 का नोट बंद किया गया, तो लोगों को नोट बदल के देना था, उतना नोट नहीं था, तो टेम्परेरी अस्थाई तौर पर 2,000 का नोट लाया गया ताकि आपको 500 का 4 नोट के बजाय एक ही नोट दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और 3 साल से उसका प्रिंटिंग बंद है, और 2,000 का नोट किसी के पास है क्या? 1-2 नोट होगा आप में से किसी के पास, वो भी नहीं होगा। किनके पास है? बड़े लोगों के पास, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं।
जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो ड्रग माफिया हैं, जो पशु तस्करी करने वाले जो लोग हैं, जो पार्थो चटर्जी जैसे लोग हैं, जो शिक्षक भर्ती घोटाला, उनके घर में देखा होगा 2-2 हज़ार का नोट जो है। तो इसलिए जब 4 साल से प्रिंटिंग बंद है तो सरकार ने तय किया कि अब हम उसकी प्रिंटिंग बंद कर दिया, इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, दुनिया में कहीं भी, अमेरिका में 500 का डॉलर है क्या? नहीं है। 100 करेंसी 100 डॉलर सबसे बड़ा। तो अगर अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया के जितने बड़े देश हैं, कहीं भी 50 रुपया या 100 रुपये से ज़्यादा का करेंसी नहीं है। मैं अभी गया था इंडोनेशिया 1 महीना पहले, इंडोनेशिया में 1 लाख का करेंसी। तो भाई, बर्मा में मैं गया, बर्मा, वहाँ पर अगर 1,000 रुपया तो बोरे में रुपया भर कर ले जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर बड़े नोट नहीं होते। तो इसलिए नोटबंदी के समय में इसको टेम्परेरी लॉन्च किया गया था, इसका कोई पर्पस नहीं रह गया, स्टोर करने में इस्तेमाल होने लगा, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया। लोकल पब्लिक को कोई परेशानी नहीं, बड़े आदमी को दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन छोटे आदमी को कोई दिक्कत नहीं। और 30 सितंबर के बाद देखिए आगे क्या होता है। परमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में विरोधी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि रेल की सिक्योरिटी नहीं है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैंने बोल दिया ना, मैंने क्या कहा था कि 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है रेल सेफ्टी पर, उसके बाद भी कोई घटना घट सकती है, घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमने तो दिखा दिया कि 5 साल में कैसे रेल एक्सीडेंट्स लगा में मरने वालों की संख्या कम होती चली गई। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये तो मैंने कही दिया आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब ये फॉल्ट आदमी का फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, जो भी हुआ है, लोगों की जान तो चली गई, तो लोग मर तो गए। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार 1,00,000 करोड़ रुपया सेफ्टी पर खर्च किया, उसी का परिणाम था कि लगातार घटनाएं कम होती चली गई। फिर भी एक घटना घटी है, इसको ध्यान रखेंगे, देखेंगे। अभी वंदे भारत ट्रेन आ रही है, आ गई, 19 या 20 ट्रेन लॉन्च हो तो हो चुकी है। बंगाल में भी 3 ट्रेन है ना, जलपाईगुड़ी से भी ट्रेन, एनजेपी से गुवाहाटी, हावड़ा से। तो ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इसका स्पीड 140 to 160 है। और सरकार ध्यान रखेगी आगे ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके, इसके लिए और क्या करने की आवश्यकता है वो सरकार करेगी। सर, इसी सिलसिले में आपने कहा जो विरोधी पार्टियां राजनीति कर रही है एक्सीडेंट को लेकर, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? मेरा कोई व्यक्तिगत स्टैंड पॉइंट ही ना होगा भाई, ममता बनर्जी के समय में हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था क्या? और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, गैसल कहाँ पड़ता है, कैसे बंगाल में है, और इस्तीफा कब दिया? अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इलेक्शन में 2 महीना बाकी था, तो चुनाव में सिंपैथी लेने के लिए रिजाइन कर दिया नीतीश कुमार। और जब अटल जी की सरकार 99 में फिर बनी 2 महीने के बाद, तो फिर सरकार में शामिल हो गए। अरे भाई, रिजाइन करने का तो मतलब होता है रिजाइन, दोबारा नहीं बनेंगे। एक बार रिज़ाइन कर दिया फिर दोबारा बन गए, वो भी रेल मंत्री बन गए। इसलिए कोई और कोई इसमें अश्विनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के समय में अगर इतने लोग मरे तो ममता बनर्जी जिम्मेवार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेलवे में जो काम हुआ ये ममता बनर्जी बाकी के समय में क्या होता था, घोषणा हो गई, बजट में प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ के एमपी निशित प्रमाणी जी को नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में मंत्री बनाया, मुझे पता नहीं इसके पहले कभी कोई कूच बिहार का कोई एमपी कभी मंत्री बना था क्या? नहीं, पहली बार जो है मंत्री बना है, राजवंशी समुदाय से। हाँ। और निशित प्रमाणी जी के प्रयास से 9 सीटर प्लेन जो है
सर्विस चालू हुआ, बीच में बंद हो गया फिर चालू हुआ, जो कलकत्ता कुछ बिहार जमशेदपुर ऐसा राउंड जो है, आगे इसको और हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए कि एयरलाइन सरकार नहीं चलाती है, एयर इंडिया सरकार चलाती थी, उसको हम लोगों ने बेच दिया टाटाज को। तो प्राइवेट एजेंसी अगर आएगी तभी कोई एयरलाइंस चलेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको डेवलप किया है। वैसे ठाकुर पंचानंद वर्मा जिनका यहाँ पर माथा बंगा खलिस्वा मारी में जन्मस्थान है, जो राजवंशी समुदाय से आते हैं, अभी अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनके नाम पर हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे, उनके नाम पर संग्रहालय म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा, और लगभग 500 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च किया जाएगा। निश्चित प्रमाणी जी की के प्रयास से यहाँ स्पोर्ट्स हब, ये स्पोर्ट्स हब को भी और यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो मित्रों, जो अगर ऑल इंडिया लेवल पर ले तो इतना काम किया है देश की सरकार ने, मैं बताने लगूंगा तो दो चार घंटे बोल सकता हूँ, और हर फील्ड में काम हुआ, हर क्षेत्र में। केवल इस साल एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च हो गए, 10 लाख करोड़, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, बिल्डिंग, वाटरवेज, सड़क, 4 लेन, 6 लेन, यानी आज तक किसी गवर्नमेंट ने एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं किया होगा। 2021 के बाद देखा गया बंगाल में काफी सारे कार्यकर्ताओं की आपके मौत हुई है, पिछले शुक्रवार की घटना भी यहाँ इसी जिले में दिघाटा में आपके एक कार्यकर्ता को घर में घुसकर गोली मार देने की घटना घटी, ये जो हालात है यहाँ के, इस विषय पर क्या बोलते? नहीं, आज मैं जाऊंगा कार्यकर्ता के घर, हम जाने कार्यकर्ता घर जाएंगे। देखिए ये जो वायलेंस का जो कल्ट है, ये CPM ने बंगाल में शुरू किया था कि अपने विरोधी को टेरराइज करके रखो, विरोधी की हत्या कर दो, विरोधी के घर में घुसकर उसको तंग करो, कोई दूसरे पार्टी की मीटिंग नहीं हो सकती है। CPM चली गई। अब उसी कल्चर को TMC ने बंगाल में लागू किया है। तो देखिए कोई भी हिंसा वायलेंस करके बहुत दिनों तक पब्लिक को रोक नहीं सकते। CPM ने इतना वायलेंस किया तो चली गई ना, TMC आ गई कि नहीं आ गई, और TMC ने इतना वायलेंस किया तो भी 18 लोकसभा की सीट हम जीते कि नहीं जीते, 77 MLA जीते कि नहीं जीते, 3 MLA से 77 MLA हो गए। तो देखिए ये वायलेंस जो करेंगे उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए। जनता हिंसा नहीं चाहती, जनता ब्लड बात नहीं चाहती, जनता शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन। यही नक्सलबारी था ना, बगल में था ना नक्सलबारी, ना नक्सलबारी पूरी दुनिया में कि हिंसा से सत्ता परिवर्तन करेंगे। हम लोगों ने भारत में दिखला दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए जो वायलेंस का सहारा ले रहे हैं उनको जनता जवाब देगी। हम तो अपने कार्यकर्ताओं की जो मदद कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन हिंसा की राजनीति बहुत दिनों तक चल नहीं सकती। कितना जनता को दबाएंगे? जो CPM को तो जिंदगी भर राज करना चाहिए था, तो चली गई CPM। CPM ने भी तो बहुत हिंसा किया, बहुत वायलेंस किया था कि नहीं किया था? जो विपक्षी एकता है उसका जो बैलून है, उस बैलून में कभी KCR पिन मार देता है, कभी अरविंद केजरीवाल पिन मार देते हैं, कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सुझाव आ रहा है कि मीटिंग पटना में नहीं करके शिमला में किया गया, लोगों को लग रहा है कि नेता नीतीश कुमार क्यों बनेंगे, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी तो 2 राज्य में सरकार है, अपनी सरकार आम आदमी पार्टी, और नीतीश कुमार के तो केवल 44 MLA, तो दूसरे के कंधे पर मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं नेता क्यों स्वीकार करूं? तो कोई किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और से जो विपक्षी एकता है,
उस बैलून में कितनी भी हवा भरे, कितना भी पंप करें हवा, लेकिन उसे पिन मारने वाले, उसको पंचर करने वाले लोग विपक्ष में ही मौजूद है, उसके लिए बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आग्रह करूंगा कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपने 18 लोकसभा की सीट दी थी बीजेपी को, इस बार हमको और ज़्यादा सीट चाहिए बंगाल से। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सरकार बनाएंगे बंगाल में। हो गया 15 साल, बहुत हो गया ममता बनर्जी को, इतना करप्शन है, शिक्षक भर्ती घोटाला, और कितना पैसा लोगों ने देखा, पिंक नोट दिखाई पड़ा, गड्डी का गड्डी और पूरा का पूरा जो है कोल स्कैम, कितना स्कैम यहाँ पर। यहाँ के लॉ मिनिस्टर को ईडी ने बुलाया है दिल्ली कोल स्कैम के अंदर, तो इतना स्कैम हुआ है बंगाल में। और ये सारे लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी एक्साइज स्कैम, कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड स्कैम, लालू यादव की पार्टी लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी हर पार्टी कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे ये लोग, डरे हुए हैं, तो डरने के कारण एक साथ आने की कोशिश करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना छोड़ेंगे नहीं, ये चाहते कि ऐसी डेमोक्रेसी हो जिसमें लूटने की छूट मिल जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही बीच के दिनों में बंगाल में जिस तरह का वायलेंस हुआ, जिस तरह के बम विस्फोट हो रहे हैं, कल भी देखा मैंने एक टॉयलेट में कहीं पर एक बम विस्फोट हो गया, तो ये जो CPM का कल्चर था, वही कांग्रेस, वही कल्चर जो है TMC यहाँ पर ला रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को कितना तंग किया गया, परेशान किया गया, कितना वायलेंस हुआ, फिर भी हमारे कार्यकर्ता अपने जगह पर अडिग हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। थैंक यू सर।